या फिर कुछ मुलाकात हुई, क्या बात हुई आज? देखिए हमारा कार्यक्रम भदोही में निर्धारित रहा है। हम यहाँ जो आए थे इस उद्देश्य के, क्योंकि मुझे 150 किलोमीटर रसड़ा से चल के आने से हमको आज 600 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। हमको भदोही, भदोही से फिर बनारस, बनारस से मालीपुर, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर से फैजाबाद, फैजाबाद से फिर हमको बलिया। तो इस उद्देश्य से हम दूरी कम करने के लिए से मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है, ना कोई बात है। दूरियाँ 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 कम हो रही हैं, दूरियाँ दूरियाँ कम हो रही हैं, क्या लगता है दूरियाँ कम हो रही हैं? देखिए जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई, हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात ना कहा जाए। अरुण राजभर आपकी मुस्कुराहट किस क्या है? ये गुपचुप जो मुलाकात निकला, चर्चा औपचारिक चर्चा थी, क्या निकला? हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं, ना कोई बात नहीं। आपके बेटे लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, आपने भी उन्होंने पुष्टि की है, चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछना ही नहीं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ना लखनऊ बताने का हम, संभावनाएं क्या है, संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का खेल होता है। जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था, शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्या जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तील का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? संबंध तो आप, संबंध तो आपके पुराने, देखिए संबंध जो संबंध तो आपके पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। देखिए हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात नहीं। आगे संभावना क्या देखते हैं? हमारी संभावना पहले, क्या सभी दरवाजे खुले हैं आपके? हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, हम आपके चैनल पे बार बार कह रहा हूँ कि प्रदेश में अगर देश की सरकार बदलने का सपना लोग लेके सजे रहे हैं तो जो नेतृत्व कर रहा है, चाहे नीतीश जी करें, चाहे अखिलेश जी करें, चाहे कोई कर रहा हो, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली के लिए जाता है। तो दिल्ली से जो रास्ता यूपी का जाता है, तो यूपी में ही जो वोट वाले नेता हैं, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, कांग्रेस हो, सोनिया जी, ये सब लोग इकट्ठा हो तभी मुकाबला किया जा सकता है। क्या मना किया गया है क्या सीएम की तरफ से कि मीडिया में बताना नहीं है? अच्छा सुने, बधाई दी है सीएम, सीएम मिलके, सीएम मिलके बधाई दी है बेटे की शादी के, बधाई दिया मुख्यमंत्री ने? झूठ नहीं बोला। अगर आप लोग इस बात को कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक पैसे भी कोई सच्चाई हम नहीं कर रहे हैं, आपके बेटे ने आपके कंफर्म किया, वो सूत्रों के हवाले से लोग बता रहे हैं। ऐसा कैसे सूत्रों ने पकड़ लिया आपके बेटे ने? कंफर्म किया था फोन पर, कंफर्म किया था, तो हो नहीं सकता है। नहीं हमसे कोई बात ही नहीं है, उनसे कल रात को आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि मुलाकात होगी और आप इंतजार कर रहे हैं? हमारी करीब 1 बजे तक हमारे कुछ बीएचयू के साथी थे, कुछ लखनऊ से जो पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान किए वो लोग आए, काफी रात तक हम बता तो रहे लगभग 1 बजे तक हमको पैसे। जब बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं किन शर्तों को करेंगे? देखिए हम तो पूरी किताब है, आप लोग भी जानते हैं कि तेलंगाना अगर राज्य 1972 से लेके 2023 तक 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोलकर 4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है, भारत का एक वो प्रदेश है, वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं? 2 स्टेट हैं देश में, पंजाब और दिल्ली, 300 यूनिट बिजली फ्री वो संविधान की शपथ लेके दे रहे हैं, तो फिर यूपी में क्यों नहीं? आज जातिवार जनगणना अगर बिहार में हो रही तो यूपी में क्यों नहीं? हम 20 साल से इस बात को कह रहे हैं, सभी पार्टियां चिल्लाती हैं कि आधी आबादी महिलाओं की, उनकी सुरक्षा के, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम कह रहे हैं कि जब ये बात नहीं है
आधी आबादी है, शिक्षण संस्थाएं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आधी सीटें शिक्षण संस्थाओं में आरक्षित कर दो, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कर दो। जब ये हमारी बहन बेटियां सिपाही बन के, दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन के जब आएंगी, जब वर्दी लगा के फोर्स के साथ निकलेंगी, गाजीपुर में लोकसभा हो रही है, तैयारी हो रही है, गाजीपुर में लोकसभा, गाजीपुर में लोकसभा पूरा तो हो जाने दीजिए। तो ये हमारी बहन बेटियों के साथ जो जनजातीय अत्याचार की बातें हो रही हैं, लोकसभा विधानसभा में आधी आबादी है, आधी आबादी में इनको लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें क्यों नहीं आ रही।